सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं बना रही हूँ ये रात की बनी हुई मक्का की रोटी से सुबह का नाश्ता। ये रोटी को मैंने ऐसे ही पका के रख लिया था, घी तेल वगैरह कुछ नहीं लगाया है। और अब इसको मैं तवे के ऊपर रख के हल्का हल्का सेक लूंगी, इसको गरम कर लूंगी मैं अच्छे से ताकि थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए। ये एकदम से पुराने समय का गांव में खाया जाने वाला नाश्ता है, बिल्कुल देसी स्टाइल है। तो ये फीकी रोटी है एकदम, और रात में बना के मैंने रख दी थी लपेट के कपड़े में। तो ये रोटी को अच्छे तरह से मैंने दोनों साइड से सेक लिया है, गरम कर लिया है। और अब इस रोटी का अब हम चूरा बना देंगे एकदम। इसको हाथों से मसल मसल के एकदम बारीक कर देंगे। थोड़ा सा ये रात की बनी हुई है और सुबह हमने इसको गरम कर लिया है, तो बड़े आराम से ये रोटी हो जाएगी इस तरह से। ये दोनों हाथों के बीच में इस तरह से मसलते हुए इसकी हम चूरी बना लेंगे रोटी की पूरी। और अब इस रोटी को एक बाउल में डाल लेंगे जिसमें भी हमें खाना है। और इधर तैयार है ये गर्मा गर्म चाय, और इस बाउल के अंदर मैं ये चाय छान लूंगी सीधी रोटी के अंदर। यहाँ पे एक ऑप्शन है, अगर आप चाय नहीं तो इसकी जगह दूध भी ले सकते हैं। अगर आप चाय नहीं चाहते तो दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसको हम 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ये रोटी इस चाय के अंदर फूल जाएगी। और ये रोटी थोड़ी थोड़ी फूल गई है, सॉफ्ट हो गई है। और ये बहुत ही पौष्टिक और टेस्टी नाश्ता है। अगर आपको ये देखने में अटपटा सा कुछ लग रहा है, पर ऐसा नहीं है, आप इसको खा के देखिएगा, बहुत ही मजेदार लगता है। मक्का का फ्लेवर चाय के साथ मिक्स होके अच्छा लगता है। और अगर मैंने बताया चाय पसंद ना हो तो आप इसको दूध के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे हमेशा चाय के साथ ही खाया है। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और ताकतवर भी है, क्योंकि बासी रोटी खाना वैसे भी बहुत अच्छा होता है। और दूध और चाय के साथ आप खा के देखिएगा, बहुत ही मजेदार भी आपको लगेगा। तो कैसी लगी आपको ये सिंपल सी देसी वाली रेसिपी, मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।